सुंदरवन जंगल में पूजा और टिंकू नाम के पति और पत्नी रहा करते थे। एक दिन पूजा अपने पति टिंकू से कहती है, महंगाई तो कितने ज्यादा हो रही है, जंगल में और पक्षी भी हमारी मदद नहीं करते, और ऊपर से कालू जादूगर ने भी हमारे जंगल में आतंक मचा रखा है। अब हम क्या करें जी, आप अपनी लकड़ियों को अब महंगे दाम में बेचना शुरू कर दीजिए। ये बात सुनकर टिंकू पूजा से कहता है, अरे पूजा चिड़िया, अगर मैं लकड़ियों को महंगा कर दूंगा तो लोग घास ही खरीद लेंगे। लकड़ियों को सस्ते दाम में बेचने के कारण ही मेरी लकड़ी थोड़ी बहुत बिक जाती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन टिंकू जंगल से लकड़ी चुग ही रहा होता है, तभी एक पेड़ से जादुई चिड़िया बाहर निकलती है। वो बहुत रो रही होती है। उस चिड़िया को रोता देख टिंकू उसे अपने घर लेकर आ जाता है और पूजा चिड़िया से कहता है, पूजा चिड़िया सुनो, जब मैं लकड़ी काट रहा था तो पेड़ से ये नन्ही चिड़िया बाहर निकली। ये बहुत रो रही है, तुम इसे कुछ खिला पिला दो। लेकिन टिंकू जी, हमारे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, रुकिए मैं सीमा से कुछ लेकर आती हूँ। फिर पूजा चिड़िया सीमा से चावल दाना लेकर आती है और उस चिड़िया को खिला देती है और दाना खाकर वो चिड़िया सो जाती है। अगले दिन, चिंटू जी, अब हम इस चिड़िया को मीठू तोते को दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो दाना है और ना ही ज्यादा पैसे हैं जो हम इसको पाल सकें। ठीक है, जब ये उठ जाएगी तो हम इसे मिट्टू तोते को दे देंगे। थोड़ी देर बाद जब पूजा उस चिड़िया को उठाती है, तभी उसके परों में से सोने और हीरे की असरफियां गिरने लगती हैं। ये देखकर पूजा चिड़िया हैरान हो जाती है और जल्दी से अपने पति टिंकू को बुलाती है। टिंकू जी, जल्दी आइए और ये देखिए, इस बच्ची के पंखों में से सोने और हीरे की असरफियां गिर रही हैं। ये देखकर टिंकू पूजा चिड़िया से कहता है, ये चिड़िया तो जादूगरनी है, अब हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी और अब हम इसका ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब चिंटू अपना नया कारोबार खोल लेता है। टिंकू और पूजा चिड़िया मिलकर सबकी मदद भी करने लगते हैं। अब ये खबर कालू जादूगर को भी मिल जाती है और वो अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, उस पूजा के घर जाओ और चुपचाप उस जादूगरनी चिड़िया को लेकर आओ। दोनों सिपाही उस चिड़िया के घर पहुंचते हैं। जब पूजा सो रही होती है, तभी वो उस चिड़िया को उठाकर ले जाते हैं और अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी वो चिड़िया रोने लगती है। अब चील सिपाही कहता है, अरे ये तो अब बहुत भारी हो गई है, मुझसे तो उठाई भी नहीं जा रही, इसका रोना बंद करवा, नहीं तो ये हमें पकड़वा देगी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो चिड़िया और जोर जोर से रोने लगती है। रोने से उस चिड़िया का वजन भारी हो जाता है, जिसकी वजह से वो सिपाही उसे उठा नहीं पाते और उसे वहीं जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह पूजा और टिंकू उसे ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंचते हैं और उस जादुई बच्ची को अपने घर ले जाते हैं। अब टिंकू और पूजा चिड़िया दोनों मिलकर उस बच्ची को जंगल से बहुत दूर ले जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।